हम अपन बहिन के समझावे के बहुत कोशिश करें। पागल होगल बाड़ू, हाँ पागल होगल बाड़ू, हराम ज्यादा के प्यार में। ये हवा कितनों भी तेज बहे, धूल के उड़ाकर चांद तक न पहुंचा सकेले। बहिन तो बहिन, हमार पत्नी भी हमरा के समझावे लगी। दाग तो इज्जत पे ओ दिन लगी जौने दिन राउर की बहिन उलैका के हाथ पकड़ के भाग जाए। सलाह वो दिन हमार दिमागे काम ना करत रहे। आओ ही गुस्सा में जब हम घर से बाहर गईनी, वो लड़की के उठा के गाड़ी में बिठाओ। अरे का भैया, अभी भिखारी के भी अपन दिमाग न लगाओ, जितना कहनी उतना कर जो। अरे दाना, पैसा दो, दो, जल्दी दो, पैसा दो। जैया तू दरोगा बनला और अपन ऊ खुशी तू हमरी बहिन के फोन पे सुनौला। हेलो सूरज, सुना एगो बहुत खुश खबरी बा। का जल्दी बतावा। ओही दिन तोर ऊ खुशी हम तोरी गम में बदल देनी। चला भैया। ये का बदतमीजी हो। सुनाई नहीं खेदे भैया के बुलाई का। ये सब राव और भैया के मर्जी से ही होता। आज ही गाड़ी में तू ना केहू और बैठी, ऊ देखा कैसा लागली हमार लिखित निर्देशित फिल्म। बहुत घटिया गजराज नथुनी,
फिल्म के क्लाइमेक्स अभी पूरा नहीं है भाई, एगो बात हमार कान खुल के सुन ले। हाँ? तोरा के इतना भयानक मौत मारब, इतना भयानक कि तोरा लाश पचील कौआ भी आवे से डरिए जा। हर रोज मौत के मुजरा देखे वाले गजराज के तो मौत के धमकी देता रे, लागता जेल के रोटी खाकर तू पगला गईल बा। चिंता ना कर, बहुत जल्दी हम तोके आजाद करा दे। ई जेल से ना, दुनिया से। एक बात है, हमार बहिन तो से बहुत प्यार करे ले, तो के बेगुनाह साबित करे खातिर अब तक जिंदा बा, ना तो कब के मर गल रहित। बाकिर उ कहां बिया, ई बा गुप्त गुप्त, ई बा गुप्त गुप्त गुप्त। अब अपन ज्ञान से ई गुप्त का बा ई ढूंढा ढूंढा। ए नतनी चला गुप्त गुप्त ई बा गुप्त। जेल में हमारी जान के खतरा बढ़ गए रहे, और वैसे भी वहां रह के हम अपन बेगुनाही साबित ना कर पाए थे, यही से भागे नहीं। काए बात के खबर गजराज के पता लाग चुकल बा। बिल्कुल चल गई होई, काहे से कि जिलर गजराज के पोसुआ कुत्ता। फिर तो के सावधान रहे के जरूरत बा। एक चीज अच्छा भइल कि हमार ड्यूटी गजराज के सुरक्षा में लाग गई। हो सकेला साथ रहते रहते रश्मि के कोनो ना कोनो सुराग मिल जाए। बाकी गोली गजराज पे चलल बा, दहाड़ तो वो मरबे करी। भैया जी, भैया जी, भैया जी। अरे तिलक धरिया। प्रणाम भैया जी। आज अचानक ही हैं? अरे मिठाई लाए हैं। अरे वो तो हम देख रहे हैं, प्रमोशन का। परमोशन आप ही के आशीर्वाद से तो हुआ है। वो तो सदा रहे आशीर्वाद, तो सदा रहे। पाचू अपा बढ़िया सा आशीर्वाद दे। नाम का बा लगधारी। अरे तोर ना इनका। मालती 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 बहुत सुंदर और अच्छा नाम। अरे बहुत बढ़िया खाना भी बनाती है। और तंदूरी चिकन तक क्या बताए। ओ तो बुलावा, कबो घरे बुलावा। हाँ तो आज ही चले आए। आज हम जरा तैयार। ठीक है ठीक है, तैयार। आठ बजे आ जाए। 8 बजे अरे तिलक धरिया, काहे अपन घर लुटवावे खातिर डाकुवन के सरदार के बुलावत अड़े। लुट जाई रे, लुट जाई तोर तिजोरी, आजे लुट जाई। लुट शांति से जियब, हमनी शराब पिया। समझे में नावता साला कि हम पार्टी रहने वाले कि भैया जी कौनो बात है पांडे जी, तुम्हार भैया जी के माल कौनो बाटल बा। पलटुआ एकदम सही कहत बाड़े तू। अरे हमारे पास चमन कुछ बा, वो तो भैया जी कहते हैं। अरे कमाल 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 कमाल।
शांति से जियब हमनी शराब पियब कमालवा पांव से ऐसे कैसे ऐसे कैसे हम कहाँ जाई हो कोला दिल का दरवाजा कहाँ जाई हो कोला दिल का दरवाजा अरे भगवान के लिए कहाँ छोड़े गजराज के सामने भगवान भी ना आ सकेला हाँ पांडा जी चुप मजा ले और हमके मजा दे जब तक है जी में जी जी भर के मजा ली सुख शांति से जी बेटा और जी भर के शराब पी तोहार माल भैया जी कमाए हम तिलक लगा देनी एना सुनी चल चला भैया काम हो गइल बा ए मालती 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 जब ले जिया तब ले पिया कहाँ बा मालती सुत गेलू का हो मालती हे मालती उठा कहाँ पर मालती गजराज सिंह हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैलस और तू घर में रह ला धिक्कार बाबू पति पर जॉन अपने पति की इज्जत की रक्षा ना कर सकीला क्या कर पाड़ू तू ये शरीर अब हमरा के बोझ लगता ये बोझ के हम ना ढो सकी थी पति मालती संभालो अपने आप के संभालो हमरा के सब पता चल चुकल बा बाकी जो ना अंगीठी से तोर घर में आग लगल बा वो अंगीठी में आग तू ही लगावले रहला ओकरा के राख भी हम ही बनाए साहेब तो फिर तो हमने का कैसे मदद कर सकेला तो हर बेगुनाही के सबूत हम बता सकेला गजराज सिंह अपने बहन के अपने फार्म हाउस पे बंदी बना के रखले बाटे और लड़ाई में राउर लोग के साथ है हमारी शायद ही नेक काम से
हमारी पत्नी की आत्मा की शांति मिली। हाँ बोल पलट हुआ का ठीक बा ए ना तो नहीं पलट हुआ के फोन रहे वो साला सरकारी कुकुर तिलक धरिया दुश्मन के साथ मिल गई बा वो हमनी के सारा राज भोग सकेला तुरंत फार्म हाउस फोन लगाओ तुरंत रे मगरुआ हाँ बोल अरे तो यार फोन बजाता अरे बाजे दे सरवा के उठा साले तीन दिन से साला परेशान कर ले बा 45 के रिचार्ज पे 50 के टॉक टाइम फुल ऑफर सीमित समय तक का भाई अरे साला मंगरुआ फोन में नहीं उठावत तू गाड़ी में बैठ गाड़ी में बैठ अरे चला सन अरे तिलकधारी भैया कैसा आए हो रश्मि से मिले खातिर भैया जी के फोन आल हल के ओकर तबीयत खराब बा बाकी ही दोनों के आओ डॉक्टर हूँ जा मिल ला आई डॉक्टर साहब me हमरे पे ही भौंके चलल रहे ए नथुनी ये गद्दार तो मर गई सूरज वाबी जिंदा ना बच के चाहिए Thank you.
हलस जिंदगिया हमके, दी हलस जिंदगिया हमके, दुखवा हजार हो बाकी जी अबले बाटे, पीरतिया तुहार हो बाकी जी अबले बाटे, पीरतिया तुहार हो। बैरी जमाना बनल दुश्मन समैया, धड़कन के दिल से दूर कैलस मुदैया। बैरी जमाना बनल दुश्मन समैया, धड़कन के दिल से दूर कैलस मुदैया, कैलस मुदैया। मनवाई हरदम रहे, मनवाई हरदम रहे, बड़ा बेकरार हो बाकी जी अबले बाटे, पीरतिया तुहार हो बाकी जी अबले बाटे, पीरतिया तुहार हो। डसत रहे तन्हाई रे, याद ही दर्द आ रहल, याद ही दवाई रे। ओ बन के नगिनिया डसत रहे तन्हाई रे, याद ही दर्द आ रहल, याद ही दवाई रे, याद ही दवाई रे। मजबूर दिनवा रहे, मजबूर दिनवा रहे, रतिया लचार हो बाकी जी अबले बाटे, पीरतिया तुहार हो बाकी जी अबले बाटे, पीरतिया तुहार हो। भैया मामा जी। बेटा प्रणाम। खुश रहा। अरे बेटा तू यहाँ, तू तो जेल में रहला ना, ऐजा किसे? बहुत लंबा कहानी बा मामा जी। हमार बहिन तो से बहुत प्यार करे ले, क्योंकि बेगुनाह साबित करे खातिर अब तक जिंदा बा। भगवान इतना बड़ा धोखा। बाकिर बेटा तू अपन बेगुनाही साबित करके जीजाजी के मौत के सच्चे श्रद्धांजलि दे, ताकि उनकर मौत सार्थक हो सके। हाँ मामा जी, छौना गजराज के चलते हमर घर परिवार उजड़ गई, वो गजराज के फांसी के सजा दिवा के ही दम ले भव।
हमें हमारे बाबूजी की आत्मा के शांति मिली। मामा जी ये विजय। नमस्ते मामा। नमस्ते हमारे दोस्त। नमस्ते सूरज, तू लोग आराम करा, हम चला था। कैसे की काल हो लिया तो कोर्ट बंद रही, हम आज ही जाके वकील से मिलकर सारा कानूनी कागजात तैयार कर लेता। नहीं, अगली मुलाकात कोर्ट में हुई। मामा मामी, अच्छा सूरज हम चलो। थानी तू लोग अपन ख्याल रखिए। तनी हम होली खेली ले भैया। होलाली चुनरी पे, होलाली चुनरी पे होलिया में रंग बरसे, रंग बरसे। अरे होली के दिन रंग खिल जाते हैं। आपलू का इल भुलाइल सब मिल जाते हैं ना मामा। ए मामा, 20 बार समझौनी, 20 बार कि तू राजकुमारी है और बिया के बाद रानी बन भी समझौनी ना। पर एकरा के तो नौकरानी बने की भूत सवार बा। ए देख बहिनिया, एक बात जान ले, तोरी मांग में एगो खूनी के नाम के सिंदूर ना पड़ सके, और खास करके ऊ जो तोरी ही खून के जुर्म में फसल होके। निकल निकल पर्दा से बाहर, निकले के कहनी ना। अरे बहनिया, कहे कहे तू एकरा के बेगुनाह और अपन भाई के गुनहगार बनावल चाहत बाड़ी? कहे तोरा से बहुत प्यार करे नी, कोनो तकलीफ दिए नी? नाना हा? चल चल, घर में सब तुम्हारे इंतजार करत बाटे। चल चल, सब ठीक हो जाए। चल चल बेटा चल। भागा सुरज, लक्ष्मी उसके मटके लेके भागा। भागा सुरज, भागा। मामा, आई पकड़ो लड़ी के। तेज दौड़ के फिर वो वापस आई।
दरुपी अगर तोर भाई रश्मि के लेके ना वापिस आइल ना ते जान ले कि आज के रात तोर जिंदगी की आखिरी रात होई। लेपे आज की रात बड़ी कातिल है, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो। आज होली है तो पी लेने दो, आज होली है तो पी लेने दो। हे मंगरुआ। हाँ भैया। चल यहाँ से, बाकी तो निकुल देखिए सब एके। बोल झगड़ुआ। भैया जी, दीपक ससुरा चकमा देके भाग गई। हराम ज्यादा, सारा सब का सब निकम्मा हुआ सर। अब हमार बात ध्यान से सुन, ये खबर सूरजवा के ना पता चले के चाहिए। काले कोर्ट के तारीख बा, दीपक वा कोनो भी हाल में सूरज के लगे ना पहुंचे के चाहिए। और ओके ढूंढे सन। सूरज आओ, आओ सूरज आओ। जज साहब, अब समय बहुत हो चुका है। सरकारी वकील साहब अपनी झूठी दलीलें देकर, निराधार दलीलें देकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी। जज साहब, रश्मि की मौत की पुष्टि कोर्ट में पहले भी हो चुकी है। लेकिन हमारे काबिल दोस्त सरकारी वकील, इनका कहना यह है कि मृतक रश्मि की हमशक्ल है। जज साहब, हमारे वकील साहब रश्मि की हमशक्ल की हत्या की झूठी और निराधार दलील देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे मुवक्किल गजराज सिंह को रश्मि की हमशक्ल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मुजरिम के आने तक का इंतजार मत किया जाए। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाए। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बिना मुवक्किल की बात सुने हुए अदालत कोई फैसला कैसे सुना सकती है। वकील साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि आपका मुवक्किल जेल से फरार हो चुका है। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। मिलॉर्ड, हम अपने मुवक्किल की तरफ से हलफनामा दाखिल कर चुके हैं और हमारा मुवक्किल आज कोर्ट में जरूर पेश हो, जरूर पेश हो। आओ सूरज आओ, आओ सूरज आओ। भैया जी, सूरजवा आ गए। Oh.
नहीं है लखन। सलाहकार हमारा भाई के कुछ भाई था। गालीना गालीना हमारी बहिनी आके दे दे तो मिल जाई तोहरा के लखन। ढेर मत सो सूरज नहीं तो दिमाग के नस फट जाई। हमके जाए द सूरज ई मुश्किल हालात में तू फैसला ना कर सकेला हमरा के करे द। हमने के ऊपर गोली वो चलाई चाहे आज ले गो रुपये रिश्वत ना ले ले हुई।
हमने के ऊपर गोली वो चलाई जब खाकी वर्दी पहने समय लिया गया शपथ कर सच्चे दिल से पालन के लिए हुई। खाकी के पावर तो नहीं लोग के पता नहीं के अगर हमने के सच्चे दिल से चाही जा तो मंदिर के बाहर रखा लेगा चप्पल तक चोरी ना हो सके। अगर दोनों लोग के खाकी वर्दी के पीछे जरा भी अगर जमीर बाकी होके तो गजराज के तलवा चटरी बंद कर दो लोग। ए, गन डाउन। तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रश्मि का खून मिस्टर सूरज ने ही। एक मिनट। हम अपने बेगुनाही के सबूत अपना साथ है लेके आए बनी जज साहब। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर बोलिए। जौना लड़की के खून के इल्जाम हमरा सर पर लागल बा आज उ लड़की रुआ सामने भी आ हकीकत भी कोनो फिल्मी कहानी से कम नहीं खेजत साहब। सीता गीता कहीं चाहे राम श्याम कहीं खून भइल बा लेकिन रश्मि के ना रश्मि के हम सकल के जौना के कातिल के हुआ और ना ई गजराज बा। ऑर्डर ऑर्डर। अब अदालत मिस रश्मि का बयान जानना चाहती है। बैठा हो विधायक जी। आपके भाई गजराज सिंह ने ऐसा क्यों किया आप अदालत को विस्तार से बताएं। प्यार जज साहब सूरज और हमार प्यार जौन हमार भाई के मंजूर ना रहे और एक दिन जब सूरज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ खुशी के दिखावे खातिर हमके मंदिर वाला घाट पे बुलाओना ओ दिन हमार भैया हमरी जगह हमरे हमशकल के भेज देना और ओकर खून हो गई। सूरज जौना के झूठ मोड़ के इल्जाम सूरज के सर पे डाल दिहल गई जबकि असली कातिल हमार छोटका भैया नथुनी रहना। खुद मिस रश्मि के दिए गए बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर सूरज को बेगुनाह समझती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस्टर गजराज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ऑर्डर 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 ऑर्डर। क्या अपनी जगह से लाई ली क्यों नहीं? तुमने मारी एंट्री और हमरी फटी यार अब माफ कर दे सूरज माफ कर दे हमरा के माफ कर दे। भाई बचा ले हमरा के बचा ले। भाई भाई बहन के रिश्ता पा तो दाग बड़ा दाग। तोरा के सुनाने से शादी करके बाला शादी करके बा ले शादी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़ा तो मंगलम पुट रहे काशी हो गई शादी शादी हो गई। सुनो जो अब तो हम जीजा हम दर साला अब जीजा साला के कैसे मार सकेला कैसे मार सकेला ऐसे। Oh, no!
जाके नाला और घर के अंदर साला ना रखे के चाहिए और तोरा जैसा गंदा नाली के कीड़ा के मरल अच्छी जरूरी है। सिंघम 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 पकड़ ले, ये अन्याय कर बाटे। तू हमारा आदमी हुए, तू हमारा आदमी बाड़े, हम तो परमोशन करा ले, बचा ले, बचा ले, तो परमोशन, कानून मंत्री, मुख्यमंत्री। चलोट, 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 विजय, हीला, दिखा दे इकरा, पुलिस के ताकत। कहा करो दाड़ा ए, सब घूम जा लोग, आज केहू कुछ ना देखी। सर वेल डन, बहुत बढ़िया सूरज। थैंक यू सर। भैया हम